मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन दिया है, इसे क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और मैं रिंकी गाइस, गुड आफ्टरनून। और इस समय हो रहा है 1:45 और आज की तारीख है 19 अप्रैल। आज का दिन है फ्राइडे। और गाइस, ये फ़ैन की आवाज़ आ रही है खड़खड़ाहट की, जो मेरा फ़ैन चल रहा है। और गाइस जो है ना, आप तो कैसे हो, अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस जो है ना, अभी मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब जो डस्टिंग मॉपिंग होता है वो सारा काम हो चुका है। और ये सारा काम हो करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैंने शावर भी लिया है, अब मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि फ्राइडे था तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है। और गाइस जो है ना, क्योंकि संडे को मेरा मतलब लैपटॉपग्राफी होगा, तो उसके बाद मैं 4-5 दिन तक मतलब हेयर वॉश और शावर नहीं ले पाऊँगी, तो इसकी वजह से जो है ना, मैंने सोचा कि आज ही शावर ले लेते हैं। और सैटरडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, तो संडे को मैं कर नहीं सकती क्योंकि मॉर्निंग में ही मेरी लैपटॉपग्राफी है। तो इसलिए गाइस मैंने आज शावर लिया है, हेयर वॉश किया है मतलब कि। और जो है ना, अभी मेरा लंच बन रहा है, मतलब मैंने अभी दाल चढ़ा के रखा हुआ है, दाल पक गया है, तो अब मैं बाकी का लंच बनाऊंगी। और दाल को बॉईल करना होता है, इसलिए मैंने दाल को बनाते हुए नहीं दिखाया है। और दाल तो कैजुअली सभी के घर में बॉईल होकर ही बनता है और छौंका लगता है, मतलब तड़का लगता है, तो मैं भी वैसे ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो गाइस, कल का ब्लॉग आप लोग ने देखा कि नहीं देखा, आई होप आप लोग ने देखा ही होगा। तो गाइस जो है ना, आज जो है ना, मैं कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ वो आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, तभी पता चलेगा। क्योंकि आज मैं अपने घर, मतलब अपने रिश्तेदार के किसी के घर जा रही हूँ, मतलब कि मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार नहीं, मैं अपने रिश्तेदार के घर जा रही हूँ। तो गाइस जो है ना, वो जाऊँगी मैं इवनिंग में, और पूरी फैमिली मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे मायके वाले भी जाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर है तो जाहिर सी बात है मेरे मायके वालों से ही अटैच हैं। तो गाइस जो है ना, सोच रही हूँ साड़ी पहन लूँ, क्योंकि सूट मायके की मायके की जो है ना पार्टी है, तो शादी नहीं है पार्टी है, तो मायके की पार्टी है, तो जो है ना सूट पहनना मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी मतलब वहाँ पहली बार जा रही हूँ शादी के बाद। मतलब ऐसे तो मैं बचपन से जाती आती हूँ, पर शादी के बाद जो है ना पहली बार जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ साड़ी ही पहन लूँ। क्योंकि सूट में जो है ना, कैजुअली अपनी फ्रेंड की पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो पहनती हूँ, या कहीं आप पास के रिश्तेदार के किसी की मतलब मोहल्ले में किसी की शादी होती है तो मैं जाती हूँ। तो गाइस जो है ना, आज मैं सोची हूँ साड़ी ही पहन लूँ, क्योंकि बहुत जो है ना, मेरी बहन लोग भी मिलेंगी, जो मेरी कज़न सिस्टर्स होंगी तो वो लोग भी मिलेंगी, तो वो लोग भी साड़ी ही पहन के आएंगी, तो जाहिर सी बात मैं भी पहन के साड़ी ही जाऊँगी। और साड़ी में लुक बहुत अच्छा आता है शादीशुदा औरतों को, मतलब कि मैं कैजुअली मतलब साड़ी नहीं पहनती हूँ घर में, या कहीं मार्केट वगैरह में जाती हूँ तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। साड़ी को कैरी कर पाना बहुत ज़्यादा, मतलब कि पहन के चल पाना बड़ा मुश्किल का होता है, और गर्मी का सीज़न है तो इस समय तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आफत की पुड़िया लगती है, मेरी भाषा में सुनिए। साड़ी मुझे बहुत पसंद है, पर उसको पहन के चलना, उठना बैठना बहुत ही मुश्किल का लगता है। तो गाइस, ज़्यादा बात करना करते हुए, और मैं चलती हूँ, मैंने ज़्यादा पकाऊँ ना आपको, नहीं तो बोर हो जाओगे और पहले ही चले जाओगे। तो चाहे गाइस ज़्यादा ना पकाते हुए, तो मैं चलती हूँ अपना लंच बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम होने वाला है, क्योंकि 1:45 बज रहा है और 2 कब बज जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और हस्बैंड को खाना भी देना है, हस्बैंड मेरे आने वाले हैं, मतलब खाना खाएँगे और उसके बाद जा कर के 4-5 बजे के करीब में मैं जाऊंगी, तो लंच तो करके ही जाऊंगी, तो इसलिए लंच मैंने बना लिया है। तो लंच जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं करूंगी, अभी जल्दी से फटाफट मैं अपना लंच बना लेती हूँ और ये काम भी ख़त्म करती हूँ। और गाइस देख सकते हो कितनी ज़्यादा मतलब कि धूप निकली हुई है, कि कितनी सनलाइट आ रही है यहाँ पर। तो गाइस चलते हैं, जल्दी से मैं लंच बना लेती हूँ अपनी। लंच में कुछ नहीं, बस दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनना है, तो चलते हैं फटाफट बना।
तो फ्रेंड जो है ना, अब मैं किचन में आ गई हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। और गाइस मेरा दाल बन चुका है और मैं इसको जा रही हूँ पलटने के लिए। और आज से मुझे लिक्विड डाइट लेना है, मतलब कि दाल का पानी या दलिया। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाना, मतलब कि दाल तो खा लेती हूँ पर दलिया खाना मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। और काफ़ी बार मैं बीमार हुई तो दलिया ही खाना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा मन सा उग गया दलिया खाते खाते। और जो है ना, लेकिन खाना तो पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने ही कहा है, तो देखते हैं कब तक दलिया का साथ छूटता है। क्योंकि आज से अगर हम चालू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लैक्टोग्राफी होने के बाद मतलब कि 4-5 दिन तक तो मुझे दलिया ही खाना पड़ेगा। और मुझे दलिया बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे दलिया, खिचड़ी और ये दाल का पानी ये सब पीना लगता है कि वेस्टेज है, मुझे लगता है। बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन और विटामिन होता है, खाना चाहिए, पर मैंने इतना ज़्यादा खा लिया है कि मेरा मन सा उग गया है। तो गाइस जो है ना, जल्दी से बना लेते हैं और आज पार्टी में मज़ा आएगी क्योंकि मेरे मतलब फैमिली मेम्बर मिलेंगे, जो मेरे सिस्टर्स मिलेंगी पुरानी, खूब सारी बातें होंगी। और अच्छा लगता है ना कि जब अपनी फैमिली मेम्बर से मिलो तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो गए चलो जल्दी से मैं इसको पलट लेती हूँ, फिर मैं राइस चढ़ाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, फिर मैं तो गाइज़ मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। साइड में मेरा जो है ना कुकर में चावल उबल रहा है, तो गाइज़ जब वो चावल उबलेगा तब तक सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, इसलिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। मैं सरसों के ऑयल में खाना बनाती हूँ और उसके बाद मैंने लहसुन डाला। लहसुन जब सुनहरा कलर का हो गया है तब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी और प्याज को भी सुनहरा कलर का होने तक। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा जो है ना प्याज ब्राउन कलर का हो गया है, अच्छे तरीके से पक गया है। तो मैं अब इसके अंदर हल्दी मिक्स करूँगी क्योंकि अब रेगुलर मसाला डालूँगी। तो पहले मैं तेल में जो है ना हल्दी डालूँगी और हल्दी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी, ऑयल में मिला लूँगी। और जब हल्दी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसके अंदर और मसाले डालूँगी। तो मैंने हल्दी डाल दिया, हल्दी फ्राई हो गया तो मैंने इस पर सब्ज़ी डाल दी, क्योंकि सब डायरेक्ट मसाला डालूँगी ऑयल में तो सब्जी वो मसाला जल जाएगा, इसलिए मैंने पहले जो है ना सब्ज़ी डाल दी। अब सब्ज़ी डालने के बाद मैं इसके अंदर अन्य मसाले डालूँगी। तो जैसे कि मैंने इसमें जो है ना, आज मेरे पास ग्रीन चिली नहीं था तो मैंने इसमें जो है ना लाल मतलब रेड चिली पाउडर डाला है। और उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूँगी, मतलब धनिया पाउडर एक चम्मच या आधे चम्मच के करीब मैं डालूँगी इसके अंदर। और इसके बाद मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, जितना मतलब मैं नमक इस्तेमाल करती हूँ खाने में उतना मैं नमक डालूँगी। और सब्ज़ी थोड़ी सी इसलिए मैं इसमें थोड़ा ही नमक डालूँगी क्योंकि ज़्यादा नमक मैं खाती नहीं, तो थोड़ा सा नमक डालूँगी। तो गैस मैं अब सब्ज़ी को अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी और इसको धीमी गैस में ढक करके अच्छी तरीके से पका लूँगी। और मेरा तब तक सीटी भी आ गई है चावल की, तो चावल भी पक गया तो उसकी गैस को भी स्लो कर दूँगी और थोड़ी देर पका करके फिर बंद कर दूँगी गैस को। तो गाइज़ मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ क्योंकि इस समय जो है ना लंच का टाइम हो गया और मेरे सारा खाना बन चुका है, मतलब दाल भी बन गई है, चावल बन गया है और रोटी भी बन जाएगी और सब्ज़ी बन चुकी है। तो गाइज़ मैं जो है ना यहाँ पे रोटी जल्दी सेक लूँगी क्योंकि आज तो मुझे लिक्विड डाइट पे रहना है, तो मुझे सिर्फ दाल ही खानी है। और मैं अपने हस्बैंड की सिर्फ रोटी सेकूँगी, तो उन्हें दो रोटी सिर्फ खानी थी, तो इसलिए मैं दो रोटी सेक करके उनका लंच निकाल दूँगी और मेरा खाना बन चुका है। हेलो फ्रेंड, अभी जो है ना दोपहर के बाद मतलब लंच के बाद मैं अब मिल रही हूँ क्योंकि लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी और सोने के बाद मैं अब उठी हूँ। तो गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ जहाँ मुझे पार्टी में जाना था। और गाइज मैं दोपहर में आपसे बात नहीं कर पाई लंच के बाद, तो उसके लिए सॉरी। और अब मैं तैयार होके जा रही हूँ, इस समय बज रहा है 7 और मुझे पहुँचना है मतलब अपनी मामी के घर जा रही हूँ, उनके घर में गृह प्रवेश है उसकी पार्टी में। और गाइज मैं साड़ी पहनी हूँ जैसा कि आप देख सकते हो और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और इस समय मैं मायके जाऊँगी, उसके बाद ही जाऊँगी, तो मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ गाइज। और वहाँ पहुँचने के बाद तो गाइज हम लोग जा रहे हैं पार्टी में क्योंकि आज मेरे मामा घर में पार्टी है, उन्होंने जो है ना घर बनवाया है लखनऊ में, तो गृह प्रवेश की पार्टी है। तो उन्होंने हम लोग को दिन में बुलाया था कि दिन में कथा वगैरह हुआ था, तो मतलब कि उन्होंने रामायण रखा था 18 तारीख को, तो उसकी पूजा फिर कथा वगैरह होना था सुबह के टाइम 19 तारीख को। तो उन्होंने दिन में बुलाया था पर ना मेरे भाई के पास टाइम था और ना मेरे हस्बैंड के पास क्योंकि दोनों का बिजनेस है। तो अब मैं शाम को जा रही हूँ और मैंने अपनी गाड़ी में अपने मायके आधे सदस्य को पिक किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवार है मेरा, इसलिए अब जा रहे हैं।
तो गाइस जो है ना, मैं पार्टी में पहुंच चुकी हूँ, तो मैंने सोचा लो वीडियो बना लेते हैं, ब्लॉग बनाती हूँ तो सबको कैप्चर कर लेती हूँ। तो गाइस ये जो येलो कलर की साड़ी पहनी, ये मेरी मौसी की लड़की है और मेरे हस्बैंड खड़े हैं जो डिनर कर रहे हैं, और ये जो रेड कलर का सूट पहनी है वो भी मेरी मौसी की लड़की है, और ये मेरी जो है ना जो मौसी की लड़की है येलो कलर की साड़ी पहनी, उनके हस्बैंड हैं, और ये जो है मेरी भाभी खड़ी है जो है डिनर कर रही है मेरे हस्बैंड के साथ, और ये मेरी बहन है जो बैठी हुई है कुर्सी में येलो कलर के सूट पहन करके, और ये मेरी मौसी का लड़का है मतलब कि वही प्रीति। मैंने सोचा कि अपनी बहनों से आपसे मिलवा दूं, तो ये जो येलो कलर की साड़ी पहनी है मेरी मौसी की लड़की है प्रीति, और इसके पीछे जो खड़ी है वो भी मौसी की लड़की है, इसकी बहन है। और गाइज़ जो है ना, ये मैं मूवमेंट को डाल रही हूँ अपने ब्लॉग में, इसका ब्लॉग से कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं डाली क्योंकि काफ़ी क्यूट मूवमेंट है। तो गाइज़ ये मेरा छोटा सा भतीजा है अधि, तो ये अपने फूफा जी के साथ अपनी गाड़ी चलाना सीख रहा है, इसके फूफा जी इसको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं क्योंकि रो रहा था तो कह रहे कि लोग गाड़ी चलाओ। तो गाइज़ मैं घर आ गई हूँ और इस समय बज रहा 12:30, और 12:30 बजे मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि मतलब वहाँ से निकलते निकलते 11:30 बज गया था। उसके बाद मुझे जो है ना, मेरे साथ मेरी फैमिली मेम्बर गए थे, मतलब मेरे पापा दीदी लोग गए थे बच्चे वगैरह, तो उन लोगों को ड्रॉप किया मेरे मायके में, उसके बाद मैं आई हूँ। और आज बहुत मज़ा आया क्योंकि फैमिली से मिलना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे मामा की लड़की थी और मेरी मौसी की लड़कियाँ थी, उनसे बात करना, उनके साथ मिलना, काफ़ी दिन के बाद मिलना हुआ था। मतलब कि जब मेरी मौसी की लड़की शादी हो गई थी उसके पहले मैं मिली थी, मतलब 2 साल पहले, और अब जाके मैं उन लोग से मिली हूँ क्योंकि 1 साल से मैं लखनऊ में आई हूँ, ऐसे मैं दिल्ली में रहती थी तो उन लोग से मिलना हो नहीं पाता था। तो गाइस इतने दिन के बाद मैं उन लोग से मिली हूँ तो इतना अच्छा लग रहा था, खूब बातें किया, खूब मतलब कि मज़ा किया, मस्ती किया, उसके बाद आए हैं। और वैसे भी फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ासकर जब अपने मतलब बचपन की जो बहनें होती, कज़न्स होती हैं, उन सबसे मतलब कज़न भाई, कज़न सिस्टर, सबसे बात करना और मस्ती करना, बहुत ही इंजॉय करना। आज मैंने बहुत इंजॉय किया है, और मेरा मन भी था आज जाने का, मिलने का, क्योंकि जैसे पता है कि एक दिन के बाद दूसरे मतलब 21 को मेरा लैपटॉग्राफी होना है, और मुझे सबसे मिलने का मन था और मैंने सबसे मिल लिया। अब जाकर मैं आराम से अपने लैपटॉग्राफी कराऊंगी, अब बहुत डर लग रहा है क्योंकि कल का दिन बचा है, जो मैं शाम को ही भर्ती हो जाऊंगी, उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में ही होगा लैपटॉग्राफी। और कुछ पल के लिए सबको भूल गई थी और इन्जॉय की थी। तो गाइज जो है ना, हालांकि जो है ना मैं सूट पहन के जा सकती थी, पर सूट पार्टी में नहीं अच्छा लगता है, तो सूट मैंने नहीं पहना और मैंने साड़ी पहनी, और ये बेबी पिंक कलर की साड़ी है और ये बॉर्डर है, आपको दिखाया तो है मेरी साड़ी के कलेक्शन में। और हमारे के जो है ना, जब पार्टी होती है मायके की तरफ तो गोल्ड की चीज़ें पहनी जाती, तो मैंने गोल्ड की झुमकी पहनी है, और बस थोड़ा सा क्योंकि गृह प्रवेश था तो इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत पहनी है। तो गाइस है ना, अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा थोड़ी सी कोशिश है बस आपको पसंद आना चाहिए। तो गाइस अपना सपोर्ट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक मेरे ब्लॉग या वीडियो जो भी समझ सकते हैं उनको मतलब लाइक दे दीजिए। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि कल का ब्लॉग मैं दूंगी आपको, पता नहीं अब जो है 21 का ब्लॉग मैं दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, फिर ब्लॉगिंग में कब कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, पर मैं कल का ब्लॉग तो ज़रूर दूंगी। तो गाइस मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में, मैं तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग और फॉर जो है ना थैंक्स सपोर्ट मी। तो गाइस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक